आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप पे जब हम और आप काम करते हैं तो काम करने के दरमियान बहुत सारे मन में सवाल आते हैं, बहुत सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल हमारे मन में डाउट आते हैं जिसे हम हेड ऑफिस में फ़ोन करके पूछते हैं। हेड ऑफिस में जब हम फ़ोन करके पूछते हैं तो बहुत सारे साथियों का, कुछ मेरा भी, कभी कभी मेरा भी ये सवाल रहता है या परेशानी रहती है या ऑब्जेक्शन रहता है कि हेड ऑफिस में लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं या फ़ोन उठाते हैं तो काट देते हैं या प्रॉपर सोल्यूशन नहीं देता है मिलता है। तो इस तरह के ढेर सारे सवाल होते हैं हेड ऑफिस में टोल फ्री नंबर को लेकर के। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम पांच ऐसे तरीके की बात करेंगे कि वो कौन से पांच ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम कम समय में अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, अगर आपके भी मन में ये सवाल है कि MCA की वेबसाइट पे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे, फूड एंड कंज्यूमर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट पे सेफ शॉप को कहाँ चेक करते हैं, सेफ शॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ चेक करते हैं, तो ये आप सब कुछ देख सकते हैं। ये इसको आप इस ट्यूटोरियल को अगर वॉच करते हैं तो आपको यहाँ से पूरी और सही जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं कि सेफ शॉप में कैसे हम कनेक्ट करें अपने आप को, सेफ शॉप का जो टोल फ्री नंबर है या सेफ शॉप में अगर कोई प्रॉब्लम है हेड ऑफिस में तो हम कैसे वहाँ पे अपना जो प्रॉब्लम है वहाँ पे बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेफ शॉप में ही नहीं, अपनी अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारी अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारा कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई रिजेक्शन है, तो उसको हम पांच प्लेटफॉर्म पे जा करके हम पूछ सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं और वहाँ से सोल्यूशन प्रॉपर ले सकते हैं। अब पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है सबसे जो आसान है, सबसे इंस्टेंट आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो है आपका एक्टिव अपलाइन, यानी कि आपका सीनियर जिसने आपको ज्वाइन कराया या जो आपकी लिस्ट में पांच जो सीनियर आपके हैं, इनसे आप जो है नज़दीक से इंटरेक्ट होते हैं। अगर आपके पास कोई समस्या है शुरुआती समय में या बीच के समय में या कभी भी, तो आप इनसे मिल करके या इनको अपने यहाँ बुला करके या इनके घर जा करके समय ले करके आप मिल सकते हैं, मिलके बैठ के बातचीत कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। दूसरा सबसे आसान तरीका है कि आप ट्रेनिंग पे लगातार जाएं शुरू के दिनों में, और जब भी ज़रूरत हो तो आप अपने समय के हिसाब से ज़रूर ट्रेनिंग पे वेन्यू पे जाएं। वहाँ ट्रेनिंग और वेन्यू पे आपके सभी अप्लाइंस मिलते हैं और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और वहाँ से भी आपको इंस्टेंट सोल्यूशन मिलता है। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहली बात यह है कि समय लेकर के या पहले से प्री इन्फॉर्म करके जाएंगे तो प्रॉपर आपको सीनियर समय देगा। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है कि आप सेफ शॉप का हेड ऑफिस पे कॉल करें, यानी कि टोल फ्री नंबर है जो कॉल सेंटर का नंबर है वहाँ पे आप कॉल करें। जो सेफ शॉप का टोल फ्री नंबर है आपको वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कितने समय से कितने समय के बीच में आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप नोट डाउन कर लें और किस दिन से किस दिन तक आपको कॉल करना है आप, ये भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, नोट करके अपनी डायरी में डाल सकते हैं। ये दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया। यहाँ पे कॉल करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर ये पूछते हैं लोग, इसके बाद से दूसरा आपका लॉग आईडी पूछते हैं लोग, आपका नाम पूछते हैं। तो पहले से ही आप जो है तीन चीज़ें आप जो है पहले से ही इसको आप अपने दिमाग में नोट करके रखिए कि आप जिस नंबर से कॉल करें उसका मोबाइल नंबर क्या है, और दूसरा आपकी जो मतलब आप कॉल करें तो आपकी लॉग आईडी क्या है, और तीसरा अगर किसी दूसरे व्यक्ति का, यानी कि अपनी टीम के किसी व्यक्ति का अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उस कंसर्न प्रॉब्लम का जो लॉग आईडी है वो लॉग आईडी क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपको पता है तो तुरंत आप फ़ोन करेंगे, वो लोग फ़ोन उठाएंगे और आपके प्रॉब्लम का बहुत कम समय में बढ़िया सोल्यूशन मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि उनको मोबाइल नंबर नहीं पता होता, लॉग आईडी पता नहीं होती, कंसर्न जिससे है उसका लॉग आईडी नहीं पता होता है तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, और फिर जो दूसरा व्यक्ति होता है उस वो फ़ोन लगा रहा होता है तो उसे पता ही नहीं होता है कि यार हमारी तरह कोई एक अनजान व्यक्ति है फ़ोन लगा। तो फ़ोन जो बिजी होने का कारण होता है हेड ऑफिस में वो यही होता है कि हम बिना अपनी किसी तैयारी से फ़ोन लगा देते हैं, फिर फ़ोन के दरमियान हम मोबाइल नंबर चेक करते हैं, फ़ोन लगाने के दरमियान हम अपना लॉग आईडी चेक करते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। इस वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है और उसकी ये शिकायत हो जाती है कि हेड ऑफिस में कॉल नहीं लगता, हेड ऑफिस वाले कॉल नहीं उठाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। तीसरा आपका जो प्लेटफॉर्म है आप सबसे बढ़िया है कि काव्या मैम को फ़ोन लगाइए, ठीक है, काव्या मैम से इंटरेक्ट होइए,
काव्या मैम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जा करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं, कमीशन का इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की अगर सेफ शॉप से रिलेटेड समस्या है तो आप यहाँ पे अपना जो प्रॉब्लम है राइट डाउन कर सकते हैं, आपको वहाँ से प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। काव्या मैम से इंटरेक्ट होने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैंने इस वाले ट्यूटोरियल में बता के रखा हुआ है। आप यहाँ पे इस ट्यूटोरियल को जा करके देख सकते हैं और यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तीन ये आपके प्लेटफॉर्म हो गए। चौथा जो प्लेटफॉर्म होता है वो होता है आपका जो व्हाट्सअप चैट होता है, ठीक है। व्हाट्सअप चैट भी आपका आज के समय में डिजिटल इंडिया जहाँ पे मोदी जी बात करते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी जा करके आप व्हाट्सअप के ज़रिए आप सेफ शॉप के हेड ऑफिस से इंटरेक्ट हो सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का, अपने कमीशन का, अपने किसी भी प्रकार का जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसका सलूशन यहाँ ले सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे सुविधा मिलेगी। व्हाट्सअप चैट सपोर्ट है, ये आपको नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद से जो पांचवा और अंतिम जो तरीका है सेफ शॉप में इंटरेक्ट होने का, सेफ शॉप के हेड ऑफिस से इंटरेक्ट होने का, वो है बाय मेल। आप अपनी कोई भी समस्या, चाहे चेक से संबंधित समस्या है, चाहे प्रोडक्ट से संबंधित समस्या है, या कोई भी आपकी टेक्निकल समस्या है, तो आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेफ शॉप का ईमेल आईडी है, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को राइट डाउन कर सकते हैं और वहाँ से आप सोल्यूशन प्रॉपर पा सकते हैं। और यहाँ पे जब भी आप मेल करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेफ शॉप के हेड ऑफिस में कॉल करें और कॉल करके उन्हें बताएं कि मेरा नाम ये है, मेरी लॉग आईडी ये है और मैंने अभी इस ईमेल आईडी से आपको कॉल, आपको मैसेज किया हुआ है, आपको ईमेल किया हुआ है। तो होता क्या, मेल करने के बाद से बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे जो साथी होते हैं, वो साइलेंट हो जाते हैं, सोचते हैं मैंने तो मेल कर दिया। लेकिन जो जो एक्सीलेंट जो एसोसिएट होते हैं या जो थोड़ा अलर्ट वाले जो एसोसिएट होते हैं, वो मेल करने के बाद तुरंत हेड ऑफिस में कॉल करके इंटीमेट करते हैं कि मैंने मेल किया, आप उसे प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए और मेरा जो सोल्यूशन, तो उससे ज़्यादा सोल्यूशन मिलता है, उससे जल्दी सोल्यूशन मिलता है। तो दोस्तों ये पांच कुछ तरीके थे जिसे मैं अप्लाई करता हूँ, आप भी अप्लाई करें, बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। और अपलाइन वाला प्लेटफॉर्म तो सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट वाला प्लेटफॉर्म है। तो ये ट्यूटोरियल मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाया था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज विजिट नहीं किया तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर लीजिएगा और उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं यूट्यूब पर नहीं दे सकता। अभी आपने देखा मैं किसी का नंबर नहीं बताया, तो ये नंबर यहाँ पर नहीं बता सकता मैं। तो किसी का कोई भी बहुत सारी समस्या होती है, जो सवाल होते हैं, जो मैं YouTube पे नहीं दे सकता लेकिन Facebook पे दे सकता हूँ। तो Facebook पेज को भी मेरे फॉलो कर लीजिएगा। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डाइम।